सप्ताह में दो दिन शनिवार रविवार तो जरूर थी। विधानसभा के आगे दारू, विधानसभा के पीछे दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में दो चार पांच दस बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी को विफल बताया है। पप्पू यादव ने चैलेंज करते हुए कहा है कि नेता और अधिकारी रविवार और शनिवार के दिन शराब का सेवन करते हैं, नहीं है विश्वास तो जांच करा लें। क्या कुछ करें पप्पू यादव, जरा आप वो सुन। कोई थाना लगभग पदाधिकारी हैं जो बड़े लेवल पर स्कॉच से ऊपर लेवल पर दारू सप्ताह में दो दिन शनिवार रविवार तो जरूर पीते, और मैं उसकी जांच चाहता हूं। सत्ता पक्ष के नेताओं की भी जांच चाहता हूं और विपक्ष का भी टॉप टू टेन हंड्रेड का जांच चाहता हूं। यदि हिम्मत है तो पप्पू यादव की के चुनौती को स्वीकार करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद तैयार हो ब्लड सैंपल जांच कराने के लिए, और नीतीश कुमार जी अपने पदाधिकारियों का ब्लड सैंपल जांच करें। इससे पता चल जाएगा कि दारू किनके संरक्षण में चल रहा है। दारू माफियाओं के कहने पर पूरा पुलिस महकमा गलत केस दर्ज करके लोगों को जेल में बंद कर रही है, और दरोगा के कहने पर माफिया उन लोगों को का मर्डर करवा देती है जो लोग थाने को या किसी ऊपर तक खबर भेजता है। तो फिर कौन केस करेगा? 6 महीना उन्होंने कहा था स्पीडी ट्रायल हम करेंगे। कितने दारूबाज बेचने वाले को आपने सजा करवाई? कितने डिलीवर करने वालों का आपने अकाउंट सीज किया? कितने नेता और पदाधिकारी और दारू बेचने वाले माफियाओं की संपत्ति आपने सीज की? और कितने लोगों को एसपी डीएसपी आपने कहा था सब के सब, जब कानून बने थे कि आप एसपी और डीएसपी दरोगा सब इसमें डीएम पर एफआईआर होगा या सस्पेंड होंगे, 5 सालों के अंदर एक भी एसपी डीएसपी डीएम या पदाधिकारी को आपने जिले में सस्पेंड नहीं किया। पटना में दीदारगंज में सिर्फ 5 करोड़ का 1 महीने के अंदर दारू पकड़ा है, सिर्फ दीदारगंज। जब पटना के दीदारगंज में दारू, विधानसभा के आगे दारू, विधानसभा के पीछे दारू, विधायक फ्लैट की अगल बगल दारू, पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में दारू, और सबसे बड़ी बात पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में दो चार पांच दस बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। इससे बड़ा अभिशाप किसी स्टेट के लिए, किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है? तो आपने सुना, पप्पू यादव साफ तौर पर शराबबंदी को बिहार में विफल बता रहे हैं, और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज भी करते दिख रहे हैं और ये कहते दिख रहे हैं कि नेता और अधिकारी जो है वो शराब का सेवन करते हैं शनिवार और रविवार के दिन, और तमाम नेता और अधिकारियों का ब्लड सैंपल का जांच होना चाहिए, सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।